हाँ बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ ये हम लोग किए थे, बोले थे एक फोटोन जो है बेटा और दूसरा फोटोन है, एक नीचे अंदर आएगा और एक वापस रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हेन बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो या दोनों को नीचे आना चाहिए या दोनों ऊपर जाना चाहिए, रैंडम तो नहीं हो सकता ना, तो आइडेंटिकल कंडीशन है बट आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर हम लोग बात किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का, बेटा हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रॉन कोई डेफिनेट पाथ फॉलो नहीं करेगा, पूरा रैंडम चीजें चलेगी। फिर बात किए थे व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्रोडिंगर कैट का एग्जांपल देखे थे बेटा, कैट को इस बॉक्स के अंदर रख दिया, पॉइजनस सब्सटेंस रखा गया है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने बॉक्स को बंद कर दिया, फिर बाहर निकाले कैट को, तो कैट या तो आपको अलाइव बाहर आएगा या फिर डेड बाहर आएगा, दो ही केस हो सकता है, या जिंदा बाहर आ रहा होगा या डेड आएगा। बट बेटा जब से ही आपको अंदर पूछा जाएगा कि अंदर कैट कैसा है, आप बोलेंगे अंदर, या क्वांटम मैकेनिक्स बोलेगा कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव साइमल्टेनियसली, और नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कैट विल बी बोथ डेड एंड अलाइव साइमल्टेनियसली। ठीक है, बाहर निकालने पे या तो अलाइव होगा या तो डेड होगा, बट अंदर ये होगा। चलिए आप समझ लीजिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए कैट बाहर निकालने से हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, मान लेते हैं डेड अलाइव का केस नहीं है, बाहर निकालने से तीन केस आपको दिख रहा है, या तो हैप्पी, या तो सैड, या तो एंग्री, तो बेटा अंदर क्या होगा कैट? सर तीनों तीनों ही ही होगा। होगा, तीनों ही होगा, बहुत बढ़िया, सुपर पोजिशन हम लोग इसको बोलते हैं, सुपर पोजिशन, तीनों एक साथ होगा, तीनों एक साथ होगा, सुपर पोजिशन होगा, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे 1/√2 होना चाहिए दोनों को, बेटा ये होना चाहिए ना, ये और ये इन दोनों का स्क्वायर को 1 होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। चलिए फिर हम लोग बात किए थे बेटा मून एग्जिस्ट बिकॉज इट इज बीइंग ऑब्जर्व, वहां पे ये आता है कि जब मून को नहीं देख रहे तो मून है भी या नहीं है, नो वन नोस। वैसे ही जैसे बेटा कि मतलब क्या है, रियलिटी जो है हम लोग को जरूरी नहीं है कि दिखता है, फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में बेटा आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वेव है, बट जब आप देखने जाते हो ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता है, और एक्चुअल में यही हो रहा है बेटा, इट इज नॉट पार्टिकल, इट इज पार्टिकल व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग और मेजरिंग इट, अदरवाइज इट इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। चलो तो ये सब हम लोग एक्सप्लेन किए थे क्या हुआ था, कैमरा लगाने से बेटा पैटर्न ऐसा आ जाएगा, कैमरा हटाएंगे फिर ऐसा आ जाएगा, लगाएंगे तो फिर ऐसा, हटाएंगे तो ऐसा, मतलब क्या, देखोगे तो पार्टिकल, नहीं देखोगे तो वेव बना बैठा हुआ है। ठीक है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन इन साइड एटम, इलेक्ट्रॉन इज एट मेनी प्लेसेस एट सेम टाइम इन साइड एटम। फिर बात किए थे बेटा स्क्रोडिंगर को नोबेल प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। फिर बात किए थे स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, स्क्रोडिंगर इक्वेशन का बेटा ये वाला इक्वेशन लिखे थे देखिए तो, हाँ लिखे थे सर ये, बताए थे डो स्क्वायर होता है, ये डो बोलते हैं, डो स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, बाकी तो बताए थे ये क्या है बट बेटा, वहां पे सब नीचे में 2x² लिखा है थे डो, x² नहीं नहीं गलत है, डो स्क्वायर, हाँ, बेटा ये ना मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा, यहाँ सही है यहाँ गलत, ये होगा, ये ठीक कर लीजिए आप लोग, ये डो जेड स्क्वायर होगा बेटा, ये वाला होता है। ठीक है, सर, और ई माइनस वी के बाद भी दो बोले थे लगा वो शायद जाएगा लगाएंगे। हाँ यहाँ पर भी सही है, अच्छा यहाँ पर भी सही है, पिछली बार ही मिस हुआ था, ई माइनस बी के बाद भी सही रहेगा, ई क्या था बेटा, सर हम लोग टोटल का टोटल बहुत एनर्जी पोटेंशियल बढ़िया, ई इज टोटल एनर्जी, और वी था आपका पोटेंशियल एनर्जी, बहुत एनर्जी। बढ़िया। देखिए अब इसी चीज को ना बेटा शॉर्ट में लिखना है, मतलब देखो डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर, इसको ऐसे लिखकर बाहर साई लगा ले, ठीक हाँ बेटा ये कर सकते, बाहर साई कॉमन ले ली, देखो साई यस सर, साई साई कॉमन आ गया,
इसको बेटा हम लोग शॉर्ट में डेल्टा स्क्वायर बोलते हैं, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? बी माइनस बी के बाद भी जाय लगेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, ये बार बार ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो ये होगा, ठीक है? यस, यहाँ पर भी साई है। चलिए, इसको डेल्टा स्क्वायर बोलता है। अब ये क्या चीज है बेटा? ये हायर मैथमेटिक्स है, हम लोग को उसमें दिमाग नहीं लगाने जाना है। हायर मैथमेटिक्स में हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए ना बेटा आपको हायर मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। जैसे आप एलजेब्रा सीखे थे, ज्योमेट्री सीखी है, कैलकुलस सीख रहे हैं अभी, और भी हायर मैथमेटिक्स है, तो क्वांटम को सॉल्व करने के लिए सारा कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो ऐसा वाला लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर भी साई मिसिंग है। अब देखो एक और इस तरीका है इसको लिखने का, एच ऑफ साई विथ टोपी लगाना पड़ता है इज इक्वल टू ई ऑफ साई। क्या है ये? मैं बस लिखा दे रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा, उम्मीद नहीं है कि कभी भी आएगा, क्योंकि दिस इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर। जैसे एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर डी बाई डी एक्स होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, लॉग होता है, वैसे ही ये भी एक ऑपरेटर, वैसे भी ये भी एक ऑपरेटर है। तो समझ रहे हैं? मतलब वो पूरा आपको नया टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा हर्मिशियन को समझने के लिए। बस लिखने के लिए लिख लेते हैं, एच ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। ये सिंपलेस्ट तरीका है स्क्रोडिंगर इक्वेशन को लिखने का। सर एच कैप किसको डिनोट करता है सर? हर्मिशियन ऑपरेटर बेटा, हर्मिशियन। ओके सर। कहीं कहीं बुक में ना दिया आ रहता है, बुक के जो ऑथर होते हैं ज्यादा पंडित बनने के लिए दिए रहते हैं, ठीक है? चलिए, हर्मिशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब बात है इंटरप्रिटेशन ऑफ साई का। ये जो इक्वेशन में साई लिखे ये तो कुछ तो रिप्रेजेंट करता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लास टेंथ में इक्वेशन बनाते होंगे तो लेट दिस बी वाई, लेट दिस बी एक्स, लेट दी एज बी एक्स, बहुत बार आप लोग किए होंगे। लेट एज बी एक्स किसी का सॉल्व करे तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन में? एज रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से लेट हाइट बी एक्स, लेट दिस बी एक्स, वैसे करके इक्वेशन बनाए हम लोग। तो वैसे ही पीछे वाले इक्वेशन में साई का एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ई ऑफ साई इज इक्वल टू एच ऑफ साई या एच साई इज इक्वल टू साई। इस इक्वेशन में बेटा साई तो एक वेरिएबल है, उस तो डिनोट कर रहा है। तो साई का इंटरप्रिटेशन ध्यान से समझिएगा। स्क्रोडिंगर ने इक्वेशन लिखा और उन्होंने साई का अपना इंटरप्रिटेशन दिया जो कि गलत है। जो समझिए बात को, स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिखे और उसने बताया साई का मीनिंग ये है, इक्वेशन सही है, उनका मीनिंग गलत है। और फिर बाद में मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने साई का सही इंटरप्रिटेशन दिया। तो एक्चुअली साई स्क्वायर का साई हो चुका है। हाँ, लिख लेगा के साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन बट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये हुआ था, ठीक है? स्क्रोडिंगर सेड दैट स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन गेव द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन व्हिच इज इनकरेक्ट। स्क्रोडिंगर के हिसाब से साई स्क्वायर क्या था? चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा था, वो गलत है। स्क्रोडिंगर के अकॉर्डिंग साई स्क्वायर चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, वो गलत है, वो नहीं है, ठीक है? तो क्या सही है? सही ये है कि मैक्स बॉर्न ने एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन प्रपोज किया। मैक्स बॉर्न स्टेटेड दैट साई स्क्वायर डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कोई बात, उन्होंने कहा कि ये गलत, पूरा पूरा गलत। तो उनसे पूछा गया फिर क्या करता, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर स्टेट दैट इज पोजिशन एनर्जी और मोमेंटम। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बोला गया कि
0.1 पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, साई स्क्वायर बता देगा। फिर आपने बोला 0.1 जूल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, इसका प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, वो बता देगा। मोमेंटम आप दे दीजिएगा, पूछेगा इसका प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, वही बता देगा। आप बोलिएगा 1 kg, सॉरी मोमेंटम का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी ना, 1 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, वो बता देगा। समझ में आया? सिर्फ लोकेशन नहीं बताएगा बेटा, पोजीशन, एनर्जी और मोमेंटम, इन तीनों, अगर तीनों में से कुछ भी अगर दे दीजिएगा इक्वेशन को, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बता देगा। इसमें किसी में किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, इसमें किसी को डाउट? सर फर्स्ट वाला लाइन से समझ में नहीं आया सर, स्क्रोडिंगर से द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन सर, वो वाला बेटा उसमें हम लोग को समझना नहीं है। उनका कहना था ना कि साई स्क्वायर ये बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, मतलब चार्ज तो बेटा 1.6 है ना, इंटू 10^-19 है। यस सर। तो यहाँ पर बाय सम फैक्टर होगा ना, क्योंकि उनका कहना इलेक्ट्रॉन हर जगह है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझे बात को? उनको लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हर जगह होगा, ऐसा नहीं है। जहां भी इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया आपको, तो पूरा चार्ज वहीं पे रखा हुआ है। आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पकड़ लिया, सारा चार्ज यहाँ पर, कहीं नहीं गया चार्ज। ओके सर। स्क्रोडिंगर को लग रहा नहीं, यहाँ भी आधा होगा आधा यहाँ होगा, वैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब ये इंटरप्रिटेशन आपको याद लिख लीजिए, ये इंटरप्रिटेशन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, एक ही समय पे एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत जगह रह सकता है। मतलब आप मान लीजिए, अगर आप क्वांटम, अगर आपको क्वांटम पार्टिकल आपको डिक्लेयर कर दिया गया, आपको बोल दिया गया कि आप क्वांटम पार्टिकल है, या बना दिया गया विद द हेल्प ऑफ सम मशीन, तो आप एक ही समय पे स्कूल में प्रेजेंट है, घर पे है, बाहर खेलने गए हुए है, सिनेमा हॉल में बैठे हुए, एक ही समय पे। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, अरे आप क्वांटम पार्टिकल बन जाइएगा तो आप ऐसा कर सकिएगा, बट हम और आप क्वांटम नहीं। इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत 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 माइक्रोस्कोपिक है, तो वो हमारी तरह बिहेव नहीं करेगा, वो हम लोगों से अलग तरीके से बिहेव करेगा। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। देखिए पहले शायद बुक में पढ़े होंगे, कहीं देखे होंगे, कहीं वीडियो देखे होंगे। सर आप बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ साई के बाद आप कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स करवाएंगे आज। हाँ पता है बेटा, वहाँ थोड़ी, यहाँ थोड़ा ऑर्डर चेंज हो रहा है, परेशान मत होइए, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। ओके सर ठीक ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ, लास्ट क्लास में ऑर्बिटल हो गया था साई के बाद, आज क्वांटम नंबर करें, दो ही तो लिखे थे, एस लिखे थे, पी लिखे थे। चलिए व्हाट आर क्वांटम नंबर समझते हैं, चीजों को समझिएगा। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब ये है बेटा, सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो x आपको 3 मिल जाएगा और y आपको 4 मिल जाएगा, या वाइस वर्सा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। बोलेंगे इक्वेशन सॉल्व हो गया, इक्वेशन अपना सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि यहाँ पर 3 और 4 नहीं दिया हुआ,
यहां पर दिया हुआ है लेट से 16 दिया हुआ, यहां पे आपको 16 दिया, आप फिर सॉल्व कर लोगे। अब मान लो कि 16 भी नहीं दिया हुआ, अब दिया हुआ है -18, अब सॉल्व होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? सर क्योंकि हर समय पॉजिटिव वैल्यू है। बहुत बढ़िया, x जो है बेटा x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, इम्पॉसिबल, सॉल्व भी नहीं होगा। तो देखो जब कोई इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो कुछ कंडीशन हम लोग को लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो बात को, अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको अब लिख देता हूँ n, तो n स्क्वायर पे कोई कंडीशन लगा बेटा, सॉरी n खाली लिखता हूँ, n स्क्वायर कर दूंगा तो गलत है, n लिख दूंगा, तो n n पे कोई कंडीशन लगा बेटा? यस। क्या कंडीशन लगेगा n के ऊपर? n cannot be negative। बहुत बढ़िया, एक कंडीशन लग गया, n cannot be negative, आपने बोल दिया n cannot be negative, तो एक कंडीशन n के ऊपर लग गया, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। अब समझो बात, स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नंबर्स अज्यूम, मतलब नंबर्स यूज करने पड़ेंगे, उन नंबर के बिना इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, उन नंबर के बिना इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। पर एक और एग्जांपल शायद आपको ये मालूम होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कितना बेटा? जीरो। और पाई नहीं होगा? यस यस सर। और टू पाई और थ्री पाई होगा ना? यस। एक्स इज इक्वल टू क्या? हाँ, एक्स क्या आया? एन पाई आया ना? यस यस। एन क्वेश्चन, एन इक्वेशन में दिया हुआ है, एन इक्वेशन में दिया है बेटा? नहीं दिया है, एन तो आप लेकर आए ना, और आप क्या बोल दे कि एन कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर? यस यस। उसी तरीके से स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 sets of numbers वेर रिक्वायर्ड, वी नीड 3 sets of numbers टू सॉल्व स्क्रोडिंगर इक्वेशन, दीज सेट ऑफ नंबर वेर एसेंशियल टू सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। ये जो नंबर है ये जरूरी है बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बोलेंगे सर बाउंड्री कंडीशन क्या है, समझो बात को, एक जो कंडीशन था अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन, इसको पॉजिटिव होना, ये भी एक कंडीशन है। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि मान लेते हैं ये इस तरीके से अपना कुछ एक शेप है और यहाँ पे वेव है ऐसा करके, तो यहाँ पर और यहाँ पर वेव को रस्सी से बांध दीजिएगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर रस्सी को मान लीजिए दो एंड में बांध दीजिएगा, तो बेटा यहाँ पर और यहाँ पर रस्सी वाइब्रेट करेगा नहीं करेगा? इस पॉइंट पे करेगा या इस पॉइंट पे करेगा बेटा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपने बांध दिया है, वो वाइब्रेट कर ही नहीं सकता है, उसको तो आपने बांध दिया ना ब्रेक से। तो यहीं पे जो एज पे लगा है ना कंडीशन, उसी को हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग लगाए एंड पे जो कंडीशन लगता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। जानना नहीं है, मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया, लिखा नहीं रहता है कहीं पर भी, पर मुझे समझाने का था कि क्वांटम नंबर आया कहाँ से, इसलिए मैंने लिखा है, अदरवाइज आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि दीज नंबर विल एसेंशियली सैटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये नंबर जरूरी होता है, जरूर मतलब एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बाउंड्री कंडीशन आप लोग क्लास 12th में जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात है बेटा, इन तीनों नंबर को क्वांटम नंबर बोला गया। कौन से है क्वांटम नंबर है क्या? स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ नंबर जरूरी हो गए, उसी तीनों नंबर को क्वांटम नंबर बोला गया। इतना लिख लीजिए बेटा, देखो बुक्स वगैरह में क्वांटम नंबर सीधा शुरू कर देता है कि बस है, अब है क्या नंबर है जिसके बिना स्क्रोडिंगर इक्वेशन को कोई सॉल्व करके दिखाए, नहीं हो सकता है।
यू कैन नॉट सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन विदाउट यूजिंग दीज नंबर्स। हाँ बोलिए सर, मतलब अगर हम लोग क्वांटम नंबर्स के जगह कुछ और वैल्यू लेंगे तो नहीं आएगा ना? नहीं, वहां पे नंबर यूज करना होगा आपको। ओके मतलब जो नंबर यूज कीजिएगा उसी को क्वांटम नंबर बोल दिया जाएगा ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अब देखो अपने पास बेटा तीन क्वांटम नंबर आए। कितने नंबर आए हुए? तीन क्वांटम नंबर ये लोग लेकर आए। क्या बोले? तीन नंबर यूज किया इन्होंने। तो पहला जो नंबर यूज किया इन्होंने उसको नाम दे दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको याद रखिएगा, डिस्कवर बहुत पहले हो चुका था, नील बोर ने बहुत पहले से डिस्कवर कर रखा था। नील बोर का एन याद नहीं है? एन एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट। तो तीन क्वांटम नंबर कौन है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किसने डिस्कवर किया था या डिस्कवर ने प्रपोज किया था? नील बोर ने प्रपोज किया था, बहुत पहले कर लिया था, बोर मॉडल में जब यूज हुआ था ना तभी प्रपोज हो गया था। फिर आया था बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको समरफील्ड ने प्रपोज किया था। इनको समरफील्ड ने प्रपोज किया था। देखो जितने भी क्वांटम नंबर पहले से थे ये तीनों क्वांटम नंबर प्रपोज पहले हुए है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन बाद में लिखा गया। इसमें तो इलेक्ट्रॉन जैसा बात हो गया। अरे तभी तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन सब चीजों को से मैच कर गया ना कि अच्छा ये क्वांटम नंबर यूज हो गया, ये यूज हो गया, तो मतलब सही माना गया उसको कि नहीं सही लिखा है, पुराना जो डिस्कवरी था उसके हिसाब से फिट बैठ रहा है, मतलब सही है, तभी तो लोग तुरंत इसको मान लिए थे। अदरवाइज जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिखकर पब्लिश किए थे ना, बाकी लोगों को बताए थे, तो कोई सेंस मीनिंग नहीं कर रहा था कि क्या है ये, पहली बार बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इक्वेशन लिखकर बैठ गए उसके लिए। बट कुछ चीजें था जो पुरानी स्टोरी के साथ से फिट बैठ रहा था, इसीलिए उनको माना गया कि नहीं नहीं सही लिखे हैं। जैसे आइंस्टीन वगैरह जब पहला अपना पेपर वगैरह लिखा था ना, तो लोगों को समझ में नहीं आया था, लोग उसको रिजेक्ट करते थे, क्या बकवास बात कर रहे हैं। स्क्रोडिंगर के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि बकवास बातें कर रहे हैं, लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ सही तो बोल रहा है, क्योंकि स्टोरी फिट बैठ गई। ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को वेव बना कर लिख दे रहे इक्वेशन और लोग मान ले, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। चलिए लास्ट में आया बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। ये पोलिश नाम है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल स्मॉल एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं, एम से स्मॉल एम, एन एल एम, एन एल एम। तीन नंबर हो गए, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, ये तीन नंबर। आप समझे बात? एजीम्यूथल नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। देखेंगे क्यों आयुष बेटा, देखिएगा मैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। चलिए इतना लिख लीजिए। अब देखिए वही बोले, दे वे प्रपोज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट बिफोर स्क्रोडिंगर रोट हिज इक्वेशन। ये सब पहले प्रपोज हो चुके हैं और स्क्रोडिंगर इक्वेशन बाद में लिखे। चलिए नेक्स्ट, अब बात होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना रह गया बेटा? हो गया तो चलिए अब बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। Now, what is principal quantum number? समझे बात को? It indicates, लिखते रहेंगे, it indicates क्या? Energy of electron. ध्यान से सुनिएगा, it indicates the energy of electron.
सिर्फ एनर्जी नहीं, दो चीजें एनर्जी के साथ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एवरेज क्यों एवरेज बेटा, क्योंकि अब क्या है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पॉइंट पे नहीं है। अगर ये न्यूक्लियस होगा तो यहाँ, अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा, तो एवरेज निकालेंगे ना, तो ये आएगा एवरेज डिस्टेंस। तो इट नॉट ओनली इंडिकेट्स द एनर्जी बट ऑल्सो द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। चलिए ये पॉइंट लिख लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। Yes, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय एन तो हम लोग को मालूम ही है, ये एन से ही डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय एन, इसमें तो कुछ नया हम लोग को मिला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बेटा एन का बेटा सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, इट कैन टेक ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, सो एन कैन टेक ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, एन कैन टेक ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, जीरो नहीं होगा याद रखिएगा, एन कैन टेक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अब बोलेंगे सर फ्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर होगा। तो समझिए जिसका n, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n ज्यादा हो गया तो एनर्जी ज्यादा होगा और डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब ये वाली बात, मोर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड हायर इज द एनर्जी। ठीक है ये लिख लीजिए, मोर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड हायर इज द एनर्जी, एनर्जी ज्यादा होगा डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। Yes, चलिए आगे बढ़ा जाए, आप समझिए बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में क्वांटम नंबर नहीं होता, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन जिस घर में रहता है ना बेटा, जिस जगह में रहता है उसका क्वांटम नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में रहेगा क्वांटम नंबर उसका होता है, अभी थोड़ी देर में और भी देखेंगे। तो अगर एन हायर होगा, एन बड़ा होगा तो ऑर्बिटल, अभी बस लिख लेंगे बेटा, ऑर्बिटल हैज लार्जर साइज एंड मोर एनर्जी, ऑर्बिटल हैज लार्जर साइज एंड मोर एनर्जी। ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जहां रहता है या जहां मिलेगा उसी को ऑर्बिटल बोले हैं, और एक एनिमेशन में देखे थे भी इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली इधर उधर भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो जो एरिया है वॉल्यूम है उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोले। ऑर्बिटल एक्चुअल में ऐसा नहीं कि जाके देखने को मिलेगा या कहीं पे है, नहीं, ऑर्बिटल हम लोग इमेजिनरी वॉल्यूम क्रिएट कर लिए, बोले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलता है इसको ऑर्बिटल बोल दो। सर आप जो लाइन लिखे एक बार उसको रीड कर दीजिए ना, वीडियो हेजी आ रहा है। If n is greater, if n is greater, इतना लेट बोल रहे, if n is greater, if n is more या greater than n is greater, then orbital has larger size and more energy. चलिए आगे बढ़े। Yes sir.
ये वही वाली बात हो। चलिए नेक्स्ट बेटा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। फिर से एक बार लिख लेंगे, ध्यान रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। ये क्या करेगा, समझो बात, ये हम लोग को ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हम मिलेगा वो, और जहां मिलेगा उसका शेप कैसा। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये अपना न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है कभी यहाँ मिला, कभी यहाँ मिला, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे करके आपको मिला, ठीक है, ऐसे करके आपको मिला, ऐसा एरिया में मिला और ऐसा एरिया में मिला, यही मिलता है आपको, इधर उधर मिला, इधर उधर नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला। तो ये कौन बताएगा कैसे मिलेगा, ये आपको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बताएगा कि देखो बाबू इसका शेप जो है ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये क्या बताएगा बेटा, ये बताएगा कि जिस एरिया में, जिस रीजन में, एरिया नहीं है बेटा, वॉल्यूम है, लास्ट क्लास में देखे तो थ्री डायमेंशनल है, जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अभी भी देखेंगे तुरंत, जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो दिखने में कैसा, वो गोल होगा, मटोल होगा, पतला होगा, लंबा होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है, एल के ऊपर। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एल डिस्क्राइब द शेप ऑफ रीजन, सॉरी, द रीजन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। दिख रहा है सबको टेक्स्ट की छोटा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो बड़ा कर दीजिए ना, कर दीजिए। यस सर, अब क्लियर है। चलिए हो गया, क्लियर है बेटा, नहीं बात, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज उसी शेप में पाए जाते हैं सर, एंड बेटा मान लीजिए आप घर के अंदर रहते हैं ना, तो घर का शेप बताएगा, इलेक्ट्रॉन का शेप नहीं बताएगा, जैसा घर में वो रहेगा उसका शेप बताएगा। ओके सर, ठीक है, उसके घर का शेप बताएगा, मतलब जिस रीजन में वो लाएगा था उसका शेप। बस बस, अभी तुरंत देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यू एंड दैट टू फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। सब करेंगे अभी, अभी थोड़ा इसमें लिखना पहले होगा, इसमें क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बाद में होगा। दे कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। नेक्स्ट, आप समझो बात को, इफ समझो बात, इफ एन इज इक्वल टू 3 देन एल विल बी इक्वल टू 0 1 एंड 2, खत्म किस्सा। किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया। आप समझो बात को, अगर n को मैं 0 कर देता हूं, देन l इज इक्वल टू सिर्फ 0, सॉरी n इज इक्वल टू 1 कर देता हूं, n तो 0 होगा नहीं, बताना है ना बेटा, n सर, हां यस सर, 0 होगा, हां n तो 1 होगा, देन l इज इक्वल टू 0,
व्हाट इफ एन इज इक्वल टू 4 बेटा 0, 1, 2, 3, 2, 3. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ गए, ये है बेटा एल का वैल्यू। अब समझो बात को, हम लोग क्या किए, हम लोग किसी घर का शेप बताने के लिए एल आएगा, समझो बात को, किसी घर का शेप बताने के लिए एल यूज होगा, और घर का साइज बताने के लिए क्या यूज होगा बेटा, सर एन, एन, बहुत बढ़िया, बड़ा एन होने पे घर बड़ा हो जाएगा, छोटा एन होने पे घर छोटा हो जाएगा, छोटा, ठीक, अब समझिए, एल को घर का शेप बताने के लिए एल जीरो बोलने से हो जाएगा, बट हम लोग एल जीरो बोलना बंद कर दिए, हम लोग एल जीरो की जगह लेटर यूज कर लिए, मतलब ये कि एल अगर जीरो है तो इसको हम लोग एस बोल देते, एल अगर वन है तो इसको हम लोग पी बोल देते, एल अगर टू है तो इसको हम लोग डी बोल देते, और एल अगर थ्री है तो इसको हम लोग एफ, चीज वही है सर, ये फिक्स रहेगा क्या? हाँ ये फिक्स रहेगा, जब भी एल जीरो एस, जब भी एल वन पी, जब भी एल टू डी, जब भी एल थ्री एफ, ये होगा घर का शेप। मान लीजिए किसी का घर का, घर का बेटा नंबर आया एल इज इक्वल टू टू आया, आप बोलिएगा डी है, आप ये नहीं बोलिएगा टू है, आप बोलेंगे कि L इक्वल टू टू मतलब आपका d ऑर्बिटल है। चलिए सर लेटर्स सब स्मॉल लेटर्स में होगा, हाँ बेटा स्मॉल लेटर यूज करना है, एकदम स्मॉल, ठीक है, सारे लेटर स्मॉल है। चलिए okay, आगे बढ़े, यस सर, चलिए, तो हम लोग बेटा SPDF नोटेशन यूज करेंगे, किसके लिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए। अब ध्यान से समझेंगे, L इज इक्वल टू जीरो होने पे तो आप थ्री के बाद भी कुछ होता है क्या, मतलब हाँ बेटा देखिए, ऑर्बिटल के बाद S होगा, P होगा, D होगा, F होगा, ठीक है, उसके बाद अल्फाबेटिकल होगा, G होगा, H होगा, I होगा, मतलब यहीं तक अल्फाबेटिकल नहीं है, ठीक है सर। और एक चीज, ऑर्बिटल्स क्या लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड? अरे 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 एक एक करके देखेंगे, चलिए आप देखो बेटा, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल में बेटा इसका एल जो है जीरो है, तो दिस इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। अब बोलेंगे सर ये पीला इलेक्ट्रॉन, ये पीला पीला डॉट क्या है, समझो बात को बेटा, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रॉन तो एक समय पे हर जगह है, इलेक्ट्रॉन एक समय पे हर जगह है, तो बेटा एक बात समझिए, बक्से के अंदर कैट डेड है एंड अलाइव, बक्से के बाहर डेड एंड अलाइव नहीं है, बॉक्स के बाहर इट इज आइदर डेड और अलाइव, अंदर है डेड एंड अलाइव। अब समझिए, जब आप इलेक्ट्रॉन को खोजने जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा, एज व्हाट दिखेगा बेटा, एज अ वेव दिखेगा या पार्टिकल दिखेगा, पार्टिकल दिखेगा। अब ध्यान से समझिए, ये सारा डॉट वो एक जगह का डॉट है जहां आप जब इलेक्ट्रॉन से मिलने गए थे वहां आपको दिखा, कभी यहां मिला, कभी यहां मिला, कभी यहां, कभी यहां, तो आप क्या कि जहां जहां मिला आप डॉट बनाते गए, फिर अगले दिन दोबारा गए मिलने, यहां मिला, ये न्यूक्लियस है आपका, फिर अगले दिन दोबारा गए तो यहां मिला, फिर आपका दोस्त गया तो यहां मिला, फिर आप गए तो यहां मिला, फिर आपका दोस्त गया तो यहां मिला, ऐसे करके कर करके कर करके करके सब ने क्या किया, प्लॉट किया कि कहां मिल रहा है, डॉट लगाते जाओ, तो ये वाला एरिया आया, तो ये डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डॉट ये बता रहा है कि यहां इलेक्ट्रॉन मिला था। अब देखो
जहां डॉट ज्यादा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या बेटा ज्यादा मिला है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ प्लॉट क्या दिखा रहा है, डेंसिटी ऑफ प्लॉट जो है या डेंसिटी ऑफ डॉट क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर वेयर दिस डॉट विल बी बेटा मोर। यस यस। चलिए अब हम लोग, आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग तो इसको वैसे नहीं बना सकते जैसे हम बनाए, तो आप लोग क्या करिएगा स्फेरिकल बनाइएगा और ऐसे कर दीजिएगा। अगर ऐसे थोड़ा सुंदर बनाना है तो डॉट 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 लगाते रहिए, ठीक है आप लगाइए, मैं नहीं लगाऊंगा, ये इस पेन से होता नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा s इज इक्वल टू जीरो, सॉरी s इज इक्वल टू जीरो नहीं, l इज इक्वल टू जीरो s ऑर्बिटल, s इक्वल टू जीरो l ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को डॉट 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 जब जहां जहां मिला वहां डॉट लगाते गए, एक दिन दो दिन बहुत बार इलेक्ट्रॉन से मिलने गए, इतना मिलने गए कि इलेक्ट्रॉन बेचारा बोर हो गया, बोलता कोई और बहुत पक्का हो गया आप लोग से मिलना। तो ये सारे डॉट को कोलेट करके हम लोग ऑर्बिटल बना लिए। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब देखो ये भी एक ऑर्बिटल है, मतलब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा तो फिर यहां कैसे मिला, ये कैसा डॉट है बेटा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए किसी और एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला एरिया में मिला, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला एरिया में मिला। हर इलेक्ट्रॉन का बेटा अपना एरिया होगा ना जहां वो मिलेगा, ठीक है, तो वैसा वाला है। इसके लिए बेटा l इज इक्वल टू 1 होता है और इसको हम लोग p ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको हम लोग p ऑर्बिटल बोलते हैं। देखो ये घुमा के मैं इसलिए दिखा रहा हूं बेटा कि आपको दिखे कि ये 3 डाइमेंशनल है, ये 3 डाइमेंशनल है और दिखना चाहिए कि हां बेटा सर p ऑर्बिटल में जो दो स्फीयर है ऊपर नीचे तो वो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन का दोनों जगह है, एक ही इलेक्ट्रॉन। हाँ 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 दिस इज वन ऑर्बिटल, नीचे भी जाता है। नहीं नहीं वन ऑर्बिटल है, ये वन ऑर्बिटल है, ठीक है ये वन ऑर्बिटल, ये लोब है, लोब इसको लोब बोलते हैं, लोब ये भी लोब है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता बता पूछे। सो पी ऑर्बिटल हैज टू लोब, लिखिएगा वन पी ऑर्बिटल हैज टू लोब, इसमें बहुत लोग डाउट हो जाता है उनको कि कितने हैं, वन पी ऑर्बिटल हैज टू ऑर्बिटल में से थ्री लोब होगा, टू ऑर्बिटल है मतलब सर डी डी, हाँ बिल्कुल, चेक करेंगे कितना होता है, ज्यादा होगा टू लोब्स, वन पी ऑर्बिटल हैज टू लोब्स, दो लोब होंगे उसके पास। और आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन ऊपर ही मिलेगा नीचे ही मिलेगा, अरे इलेक्ट्रॉन तो हर जगह मिलेगा और एक ही समय पे हर जगह मिलेगा, ये भी डिस्कस किया हमने। यस सर। एक ही समय पे हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर मिलेगा तो नीचे कैसे मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा और नीचे ही मिलेगा, एक ही समय पे दोनों जगह है, वो मिलने जाएंगे तो एक जगह दिखेगा आपको। चलिए तो वन पी ऑर्बिटल हैज बेटा टू लोब्स, एक पी ऑर्बिटल के पास दो लोब। अब पॉइंट ये कि आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, तो आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा, आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा, बीच में गैप रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है, बट एकदम थोड़ा सा गैप देंगे ना, एक्चुअल में एकदम पॉइंट का गैप होता है, बट पॉइंट का गैप देंगे तो प्रॉब्लम ये दिखेगा नहीं कॉपी में, अभी याद रहेगा अच्छा पॉइंट का गैप है, बाद में भूल लगेगा नहीं यार ज्वाइन किया हुआ, इसीलिए गैप दिया, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज पी ऑर्बिटल। चलिए समझ में आया बेटा, ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप समझो बात को, ये अपना एस ऑर्बिटल है, ये अपना पी ऑर्बिटल है,
और ये अपना डी ऑर्बिटल है। क्लियर है बेटा? पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल बना लीजिए। डी ऑर्बिटल के लिए एल कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। यस, डी ऑर्बिटल के लिए एल विल बी 2। एल का वैल्यू 2 होने वाला है डी ऑर्बिटल के लिए। एल विल बी 2। चलिए आगे बढ़े बेटा। सर, हाँ बेटा बोलेंगे। सर ये जो राइट और लोब आया सर, उसमें सब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन बेटा हर जगह रहेगा। ओके, सेम इलेक्ट्रॉन विल ऑक्युपाई ऑल दी फोर लोब्स। लिख लीजिए। और सबके बीच में एक यूनिट का गैप है। यहाँ पे गैप है, देखिए हल्का सा, न्यूक्लियस में नहीं है। मल्टीपल लोब्स हमने तो बात की है ना, इलेक्ट्रॉन तो वेव है, कहीं पर भी रह सकता है। चलिए अब एक सर, हाँ बेटा। सर बट अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो सर सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, फर्स्ट ऑर्बिट में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा। आएंगे आएंगे बेटा, उस पे आएंगे। अभी समझिए, अब समझिए बात को। इसके ऊपर आप लोग प्लस साइन लिख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव साइन का रहेगा। अब पॉजिटिव का मतलब चार्ज नहीं है, पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। कैसे? इलेक्ट्रॉन का तो वेव फंक्शन है, ये ऐसा आता है ना वेव, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, सिंपल। तो यहाँ पर वेव फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, या उल्टा भी, नीचे माइनस, नीचे प्लस, ऊपर माइनस। ठीक है, ये बहुत कम जगह आपको प्लस माइनस दिखेगा, परेशान नहीं होना, पर मैं भी लिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर भी किए, यहाँ मैंने पहले प्लस लिखा, फिर मैं ऐसे करके घुमा, फिर मैं माइनस लिखा, फिर सीधा ये आ गया, इसीलिए कोई काम नहीं करना पड़ा, दो ही बार लिखना पड़ा। अब देखो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस, ऐसे घुमा मुझे दिखा, मैं लिखूंगा माइनस, फिर घुमा मुझे क्या दिखा बेटा, आप क्या लिखूंगा? प्लस। प्लस, फिर यहाँ घूमूंगा क्या लिखूंगा? माइनस। हो गया, ऐसे करके गोल गोल घूमना, प्लस माइनस करते जाना। सर ये प्लस माइनस हो क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉन का बेटा साइन लिखे थे ना आप? यस। साइन क्या है? वेव है। साइन एक्स बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना? यस। बस यही है, ये इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा। और इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा और यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं, दोनों जगह बराबर मिलेगा। बस ये साई का साइन है, साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। दीज आर साइन ऑफ साई। अब बोलेंगे सर क्यों लिखवा रहे थे जब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? बेटा लिखिए, बाद में केमिकल बॉन्डिंग में यूज करेंगे इसको, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगा। चलिए हो गया बेटा। यस सर। चलिए अब बात होगा बेटा मैग्नेटिक क्वांटम, अब बात करेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गया इसमें से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। बेटा इसको दूसरा नाम क्या दिए थे बेटा हम लोग? दूसरा नाम क्या दिए थे बेटा? सर एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इट हेल्प्स इन अजीमथल क्वांटम, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग calculating orbital
या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इससे हम लोग मेजर कर पाएंगे. दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई. सर एच बाई टू पाई रूट कब आया? हाँ बेटा. ओके सर. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई को कितनी बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं h क्रॉस भी लिखते हैं h बाई टू पाई को, क्योंकि h बाई टू पाई इतनी बार आया कि लोग लिख लिख के परेशान हो जाते हैं, तो बोलते हैं इसको हटाओ h क्रॉस लिखना चाहिए. h का मतलब पता है बेटा क्या था? तो इसका नाम हो जाता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड. अब रिड्यूस क्यों हुआ बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट हायर थोड़ा है, ठीक है. हम लोग बेसिकली एकदम ऑर्गेन, ये क्या नाम हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का बेटा एकदम सरफेस पे है, समुंदर बहुत गहरा है. और एक बस बोल दीजिए ना ये क्या लिखे, क्या बेटा डिस्टेंस हो गया था ये h by 2 pi. सर ये इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग से फिर सर. अच्छा बेटा, ये जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है ना बेटा, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मेजर करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. ओके सर. रूट अंडर l into l plus 1 h by 2 pi ये हेल्प करेगा. तो बेटा अब हम लोग सारा ऑर्बिटल का निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. यस निकालेंगे. इसका हो जाएगा रूट अंडर जीरो इंटू जीरो प्लस वन एच बाई टू पाई. इसका हो जाएगा रूट अंडर वन इंटू वन प्लस वन, ये रूट के बाहर. इसका हो जाएगा रूट अंडर 2 into 2 plus 1 h by 2 pi. बस ये ध्यान रखना है 2 into 2 plus 1 है बेटा वहाँ, ठीक है. सही से लिखा हुआ नहीं है 2 plus 1. So this is root 2 h by 2 pi. This is root 6 h by 2 pi. ठीक है, ये आएगा orbital angular. पहला वाला का जीरो नहीं आया? यस. चलो पहला वाला का जीरो. तो एस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है. आगे बढ़े. यस सर. तो रुक जाइए. ठीक है. चले बेटा आगे बढ़. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन. इसका मतलब समझिए बेटा, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है. अब बेटा कोई ना कोई तो एक्सिस होगा. आप मान लीजिए ये वाला एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, ये एक्सिस है. ये जो ऑर्बिटल है बेटा, ये कैसे अलाइन है, ये इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्बिटल बेटा अगर इस तरीके से रहेगा या फिर इस तरीके से रहेगा, तो ये कोई तो बताएगा हम लोगों को.
किसी को तो बताना होगा, ये कौन बताएगा? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये हम लोग को मालूम चलेगा। किसी को डाउट यहाँ पर बेटा? मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इट विल डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझो बात को बेटा, एस ऑर्बिटल बेटा कैसे भी क्यों नहीं ओरिएंटेड हो, मान लेते ये अपना एक्सिस है, एस ऑर्बिटल बेटा कैसे भी क्यों नहीं होगा, एस ऑर्बिटल ऐसा है ठीक है, इसका ओरिएंटेशन बेटा किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो क्या होगा सर? सेम ही लगे, सेम आएगा ठीक है। तो अच्छा ये बोला लिख मुड में आगे पहले लिख लीजिए, दे कैन टेक इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। दे कैन टेक इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। सर पॉइंट वन अलग समझा दीजिएगा, क्या बेटा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है? क्या बेटा कौन सा है? सर पॉइंट वन और एक बार समझा दीजिए। अच्छा ओके अच्छा हाँ समझिए बात बेटा, कोई भी ऑर्बिटल कैसे ओरिएंटेड है ये कौन बताएगा? मान लीजिए अच्छा अगर नोट कीजिए फिर मैं बता रहा हूँ ठीक है, मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है। सर ऑर्बिटल मतलब तो सर कितना वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है सर, और तो कुछ नहीं? नहीं नहीं ऑर्बिटल मतलब वही वॉल्यूम जो आपको दिखाया ना वो डॉट 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 करके, यस सर गोल गोल, बस वही है ऑर्बिटल का मतलब। ओके सर, जिस वॉल्यूम में मिलेगा वही आपका ऑर्बिटल, जिस एरिया में घर में जिस घर में मिलेगा बार बार वो, यस सर यस सर, उसका शेप क्या है, दैट इज ऑर्बिटल्स। चलिए आगे लिखिए बेटा, दे कैन टेक वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। और ये प्रूफ भी हम लोग को हायर मैथमेटिक्स से ही होगा। क्या चीज ये? यस सर। अब ऑर्बिटल में आपको न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना है, अब खाली हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलिंग करेंगे बस खत्म हो गया। वैसा आप अगर ये सब डिराइव कहाँ से हम लोग को सोचना भी नहीं जाना है ठीक है, सिर्फ रहा कि इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सलूशन दिखता कैसा है, ग्राफ कैसा बनता है, वो आपको बेटा अलग से एडवांस क्लास में बताएंगे। नॉर्मल के लिए बेटा वो सोचना भी नहीं है कि ग्राफ दिखता कैसा है इक्वेशन कैसा है ठीक है, वो एडवांस क्लास का अलग से आपका रिकॉर्डिंग होगा उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दे कैन टेक इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, मतलब समझेंगे If L is equal to 2, then M is equal to, then M is equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, ये आएगा। अब आप लोग L is equal to 1 के लिए करेंगे, हाँ बेटा बोलेंगे बहुत बने, माइनस वन जीरो प्लस, इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। चलो बहुत बने सिंपल है बेटा, एल इज इक्वल टू यहाँ जी टू था, कुछ भी मिल जा रहा है। चलिए होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा। ये बेटा आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब ध्यान से समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। आप समझिए बात को,
यहाँ पर यहाँ करा दिए हाँ, इसको ड्रॉ कीजिए, ये थोड़ा रीस्टार्ट होगा। चलिए यहाँ देखेंगे, यहां पर बेटा ये ऐसा होगा, ये x, ये y, ये z, ये x, ये y, ये z, ये x, ये y, ये z। बेटा देखो ये p ऑर्बिटल बेटा किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये कौन बताएगा बेटा? मैग्नेटिक पोटेंशियल। हाँ, m बताएगा। समझ में आया जीवन बेटा? यस सर। ठीक है, चलो बताओ सर, उन तीनों में के भी थोड़ा थोड़ा गैप है। अरे ये अलग, हाँ, यहाँ पर गैप या इनके तीनों के बीच में गैप? नहीं सर, वहां पे। हाँ यहाँ गैप रहेगा, यहाँ हल्का गैप रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम होगा P of Y। क्यों है बेटा P of Y? क्लियर होगा तो इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा? P of X। X, X। बहुत, इसका नाम P of Z। Z, बहुत बढ़िया। दिस PX, PY एंड PZ दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ M। दिस PX, PY एंड PZ विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ, बनाइए इसको, ये जरूरी है अच्छे से बनाइए। कुछ नहीं करना है इसको, छोड़ दीजिए, आप लोग बनाइए, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फिर से रिस्टार्ट होगा। हो गया बेटा? यस सर। चलिए यहाँ थोड़ा ऑर्डर मैंने गलत बनाया, पहले पी एक्स बनता है, फिर पी वाई बनता है, फिर पी जेड बनता है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, आप ध्यान से देखिए। हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर, अब ध्यान से समझिए। अब देखो ये कन्वेंशन है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बस कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है समझिए, कन्वेंशन है पी एक्स के बाद पी वाई लिखिएगा, पी वाई के बाद पी जेड लिखिएगा। समझ में आया? ये कन्वेंशन है। दूसरा कन्वेंशन है एम लिखने का। एम बेटा कहाँ होगा बेटा? ये कौन सा एल है बेटा इन लोगों का? इनका एल क्या है बेटा? पी का एल ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वन होता है ना बेटा? एल ऑफ पी क्या होगा? वन होगा बेटा। एम का वैल्यू क्या होगा बेटा? वन। एम एम -1 0 -1 0 +1 0 +1। देयरफॉर एम इज इक्वल टू -0 + 1। देखो कन्वेंशन ये है कि यहाँ आप -1 लिखेंगे, यहाँ आप 0 लिखेंगे, यहाँ आप +1 लिखेंगे। ये कन्वेंशन है, मतलब रियलिटी में पी एक्स का -1 नहीं होता है, पी एक्स का -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 हो सकता है, रियलिटी में तीनों में से कोई भी वैल्यू होगा, बट कन्वेंशन है हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आया बेटा? चलिए yes,
चलिए आगे बढ़े अब। Yes, sir. चलिए तो हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लिया। अब देखिए एस ऑर्बिटल हैज वन ओरिएंटेशन, पी ऑर्बिटल हैज थ्री ओरिएंटेशन, डी ऑर्बिटल हैज बेटा फाइव ओरिएंटेशन, डी ऑर्बिटल विल हैव फाइव एंड एफ ऑर्बिटल विल हैव सेवन ओरिएंटेशन। क्यों समझो बात को, एस का बेटा एल कितना था जीरो, तो एम कितना आएगा जीरो, वन ओरिएंटेशन। पी का एल कितना था बेटा वन, तो एम कितना माइनस वन जीरो प्लस। डी का एल कितना है बेटा टू, तो एम हो गया माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू। एफ L इज इक्वल टू थ्री, एम इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री, इतना सिंपल है ये। चलिए कीजिए इसको। सर ओरिएंटेशन मतलब M का वैल्यू कितना बार आ रहा है? हाँ जितना okay. M का वैल्यू उतना अलग अलग ओरिएंटेशन होगा, उतना अलग अलग ओरिएंटेशन होगा। हो जाएगा तो बताएंगे बेटा। सर हो गया। यस सर। चलिए पी के कितने ओरिएंटेशन है, क्लियर है हम लोग को, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए पी को ओरिएंटेशन में। यस सर। हाँ बेटा। सर एस ऑर्बिटल में जीरो, जीरो मतलब इसमें क्या डिनोट करता है? क्या बेटा? सर मतलब जीरो, मतलब सर जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मतलब, अरे नम देखो बेटा सर ऑर्बिटल, समझिए आप गलत चीज सोच रहे हैं, समझिएगा बात को। फॉर्म फिलअप करते बेटा, फॉर्म फिलअप में देखिए कभी कभी जेंडर लिखा होता है और लिखा रहता है इफ मेल राइट वन इफ फीमेल राइट टू, यही लिखा रहता है। Yes, sir. तो क्या बेटा वो नंबर से कुछ मतलब है जेंडर का? नहीं बेटा, बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए यहाँ पर भी है, ठीक है। क्वांटम नंबर है बेटा, हर चीज को ना फिजिकली या प्रैक्टिकली ढूंढने का कोशिश मत कीजिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वांटम देखो समझिए बात को, ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना बेटा, ये देख कर सॉल्व नहीं होता, खाली पेन एंड पेपर पे सॉल्व होता। इलेक्ट्रॉन एज अ वेव तो किसी ने देखा भी नहीं, खाली ऑब्जर्वेशन है और पेन पेपर पे वेव इक्वेशन लिख के सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बहुत कम हम लोग को प्रूफ मिलता है इसका, या बहुत कम हम लोग इसका ना क्या बोलेंगे इफेक्ट देख पाते हैं, इफेक्ट हम लोग को दिखता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का इफेक्ट दिखा है इंटरफेरेंस, ठीक है, वैसा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज मिस कर गए, अब ये SPDF क्यों बोला गया? देखो जब हम लोग को याद करो बेटा, वहां पर हम लोग को ना वो मिला था, स्टार का इफेक्ट आया था ना, जीमन इफेक्ट आया था, याद है? Yes, लाइन स्प्लिट कर गया था ना। yes, हाँ, क्या होगा लाइन स्प्लिट करके ना बेटा बहुत अलग अलग तरीके का बन जाता है। तो S का मतलब होता है शार्प, ये S ऑर्बिटल के लिए, ये P ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल, D ऑर्बिटल के लिए डिफ्यूज, F ऑर्बिटल के लिए फंडामेंटल। बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से लिख लीजिए, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल।
ये क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नेचर था, नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसा जीमन इफेक्ट में देखे थे ना, वैसा डिफ्यूज में क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, शार्प में लाइन थोड़ा अच्छा दिखेगा, प्रिंसिपल में ओके दिखेगा, वैसा कुछ, वैसा समझिए, ठीक है समझने के लिए। चलिए अब ये देखिए बेटा, डी ऑर्बिटल है अपना, ये अपना डी ऑर्बिटल है, देखो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से आगे देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लोब देखो कहाँ है, यहाँ पर जो लोब है बेटा, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस दिखेगा और वाई एक्सिस दिखेगा, जेड एक्सिस दिखेगा बेटा सेंटर में दिखेगा नहीं दिखेगा, बहुत बढ़िया, वो गायब होता है, ये आपका डी ऑर्बिटल होगा। देखिए सबका लोब का साइज बराबर है, हमारे मतलब ड्राइंग में बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए पहला वाला बनाएंगे और इसका नाम सुन लीजिए क्या है, डी ऑफ लोब बेटा कौन से प्लेन पे है, एक्स और वाई पे, तो इसका नाम हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। ध्यान से सोचिए कैसे बना है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बगल वाला वाई जेड, इसको हम लोग यहां से देखेंगे, जैसा वहां बनाया हम लोग वैसा नहीं बना सकते, हाँ बेटा ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये सब नहीं ड्रॉ करना है, ये करना है, वहां मैं दिखा रहा हूं कि देखा कैसे गया चीजों को, ठीक है इसको बनाइए। हाँ बेटा बोलिए क्या बोल रहे थे, तो फोर्थ वाला में सर दो बार ये क्या x आ रहा सर, इसलिए क्या सर x स्क्वायर लिखा सर और y नहीं 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 बता रहे, रुक दे थर्ड वाला फोर्थ वाला नहीं बनाना अभी, ठीक है आगे समझिए इसको, ओके ठीक है सर ड्राइंग बना लेते, चलिए यहाँ समझिए। अब बेटा ये तीनों हो गया बेटा, ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में बेटा क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर मिलेगा इधर मिलेगा इधर मिलेगा इधर मिलेगा, ये मिलेगा एक्सिस के अलोंग मिल रहा है या एक्सिस के बीच में मिल रहा है, बीच में, तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड are called interaxial orbital, interaxial orbital,
सर एक्सिस के बीच में मतलब अगर समझे मुझे ना, एक्सिस के बीच में लोब नहीं है बेटा, देखिए ये एक्सिस है तो बीच में लोब है ना, यस सर ये यस, एक्सिस, ये एक्सिस, तो एक्सिस के बीच में लोब से ओके सर, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इंटरएक्सियल है, रिप्रेजेंटेड बाय टी टू जी, यहां बड़ा करके लिख दे रहे टी टू जी का मतलब ये तीनों एक साथ, टी टू जी का मतलब तीनों एक साथ, टी टू जी बोलेंगे आपको समझना डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड की बात हो रही है। अब टी टू जी क्या है बेटा, ये पूरा एकदम मतलब ये नाम कहां से आया इसके बारे में एकदम नहीं सोचना, ठीक है, ये मतलब इस खाली नाम को समझने के लिए मान लीजिए कैलकुलस टाइप का पूरा टॉपिक ही आपको समझना होगा, ठीक है, ये पॉइंट ग्रुप एंड सिमेट्री से आता है तो हम लोग उसमें नहीं जाना। जी का मतलब अगर पूछिएगा तो मैं बता दूंगा, जी का मतलब यहाँ गराड़ होता है, जी का मतलब होता है गराड़, जी का मतलब गराड़ होता है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब समझिए बात को, ये अपना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां समझेंगे बात, यहां हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से चील कौवे की तरह हम लोग यहाँ उड़ कर देखेंगे। अब जब ऊपर से देखेंगे बेटा तो आपको दो एक्सिस दिखेगा, एक एक्स एक्सिस दिखेगा और दूसरा कौन सा बेटा, वाई, क्योंकि जेड एक्सिस का अलोंग देख रहे थे। अब यहाँ पर लोब आपको कुछ ऐसे दिखेगा और याद रखिएगा बीच में गैप होता है, ठीक है, बीच में हमेशा गैप होता है, थोड़ा सा सेपरेट कर, सर ये 3D में सर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे सर, दिखा रहे बेटा एक, सीडी में विजुलाइज बेटा कैसे नहीं कर पा रहे, सिंपल तो है बेटा, लोब्स इसके अलोंग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, इस पे बस इंटर एक्सियल नहीं है, हाँ ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा बेटा, सेम चीज है, ये वाला जो है ना, ये वाला इसी के जैसा है, बस घुमा दिया, देखिए लोब्स को घुमा दिया है, मतलब अलोंग दी एक्सिस है इस बार, ये बेटा कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, सैटर्न का एक रिंग है इसके पास, ऐसा कुछ है। इसका नाम था बेटा डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका नाम है डी ऑफ जेड स्क्वायर, इसको बना लीजिए, तो माइनस क्यों लग गया, क्या बेटा माइनस क्यों आ गया बोले बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका नाम है, इसको एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई फैक्टराइज मत कर दीजिएगा, समझे, ओके सर, बोल तो रहे ना बेटा, इसमें ना एक्स स्क्वायर को एक बार सुनिए, यहाँ पर जितना कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितना कुछ जानते हैं ना बेटा पुराना, सब भूल जानने में भलाई है, आप जेड स्क्वायर में थोड़ी ना जेड स्क्वायर का वो स्क्वायर है, जो डी जेड स्क्वायर में उसमें तो दो ठो जेड बनाया सर, दो ठो, यस सर, दो जेड लिख दिया सर, वाई होगा ना सर, क्या लिख दिया, दो
अच्छा ओके वो बोल रहे, अरे वो थोड़ी ना हो सकता है, अच्छा आप वो पूछे, सॉरी सॉरी सर। z स्क्वायर में तो ऑर्बिट, z ऑर्बिट में दोनों है, तो बीच में रिंग वो वाला कौन सा एक्सिस में हो रहा है? वो पूरा बेटा सैटर्न के जैसा रिंग है बेटा। नहीं सर, वो कौन सा एक्सिस में हो रहा है? क्योंकि z स्क्वायर अगर मतलब 2z निकला है तो सर ऊपर और नीचे तो 2z हो गया, तो फिर से सेंटर वाला का क्या जरूरत? अरे बेटा ये डी जेड से इसका शेप का मतलब नहीं, उसका नाम है बेटा, बोलता रहे इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट मत सोचिए कि जेड क्या है ये क्या है, बस ये शेप होता है इसका नाम डी जेड स्क्वायर। आप यही पूछ रहे ना कि जेड स्क्वायर, आप पूछ क्या रहे बेटा, बताएंगे बेटा? हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ कि जेड स्क्वायर मतलब क्या, जेड कोई मतलब ना 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 उतना मत सोचे, बस डी जेड स्क्वायर होता है ये जो लोब होगा वो जेड के अलावा होगा, बाकी एक रिंग होगा, ठीक है, बाकी एक रिंग होगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि स्क्वायर में दो लोब है उसलिए। नहीं चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सारी चीजें लिखनी है ठीक है और ध्यान रखना है, बट और ज्यादा कुछ नहीं करना, सुनेंगे बात को। अब हुआ क्या है, डी जेड स्क्वायर इज लीनियर कॉम्बिनेशन, आप बोलेंगे सर ये क्या होता, एडिशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, डी जेड स्क्वायर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, लिखिए डी जेड स्क्वायर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स। कौन कौन से दो ऑर्बिटल समझिए, इसको मिटा देते, डी जेड स्क्वायर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई या माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलेंगे सर डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप बना ही नहीं, खाली उसका कॉम्बिनेशन, बेटा तभी तो हम लोग इसको इसको लिख दिए ना, जेड स्क्वायर कंबाइन करके जेड स्क्वायर हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, इसमें से आपको स्टेटमेंट आएगा, बस इसको बेटा इंफॉर्मेशन समझ के रिटेन रखिए, क्योंकि फिर से बोल रहे ये सारा कुछ का डेरिवेशन करने के लिए बेटा आपको पूरा दिन, मतलब सिर्फ एक साल केमिस्ट्री पढ़िएगा ना तब ये सब पूरा हो पाएगा, एक साल लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने में बस, तो सिर्फ एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से होगा। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट नहीं है, है क्या कि आप लोग का हायर मैथमेटिक्स अभी हुआ नहीं है, तो तब उसके पहले क्वांटम मैकेनिक्स हो नहीं सकता, तो बस इंट्रोड्यूस इसलिए करना पड़ा है क्लास 11 12th में, क्योंकि इसके बिना पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग ये सारी चीजें हो नहीं पाएगा, इस कारण से क्वांटम मैकेनिक्स लाया गया। चलिए आगे बढ़े सर, बेटा हाँ बेटा बोलिए सर, dz square minus x square and सर वो समझना है? नहीं नहीं बस समझना नहीं है, ध्यान रखिए dz square दो ऑर्बिटल का समेशन से बना है, इन okay, दोनों को ऐड करके बना है बस। व्हेन वी ऐड दीस टू वी गेट डी जेड स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी थोड़ी ना होता है, ठीक है, पर ऐसा है बेटा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आया स्पिन क्वांटम नंबर, ये चौथा क्वांटम, अब ये क्या चीज है समझिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा, हैज नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप With spin of electron, कोई relationship है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के स्पिन से। अब बोले फिर नाम क्यों दिया, अरे वही बताए ना क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है आप समझिए, has no relationship with spin of electron। हाँ बेटा बोलिए सर, ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या उस लिस्ट में लिख लू, प्रिंसिपल अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का लिस्ट में,
नहीं नहीं ये चौथा क्वांटम नंबर है, श्रोडिंगर इक्वेशन के तीन, श्रोडिंगर इक्वेशन तीन लोग लगे थे बेटा। हाँ सर। ये श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया है, आगे सुनिए, समझ में आया? ओके। टॉपिक लिखेंगे बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, लिखिए टॉपिक, लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर। It is not related to Schrödinger equation. It has no relationship with the spin of electron. कुछ लोग को थोड़ा और लगेगा कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेटेड नहीं है सर, किताब में तो भर भर के लिखा है कि स्पिन है स्पिन है स्पिन है, अरे गलत लिखा हुआ है। अब बोलेंगे सर 10-12 किताब में लिखा हुआ है, अरे अब स्पिन का अंदर का और एक भी चीज है वो उससे रिलेटेड। किससे बेटा? सर डायरेक्शन ऑफ स्पिन। नहीं बेटा किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज से मतलब रिलेटेड है नहीं, इसका फिजिकल वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं काउंटर पार्ट, नहीं बोल सकते ऐसा है, कोई मतलब नहीं है। देखो हुआ क्या ना, हम लोग को सिर्फ इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है दो अलग अलग स्टेट में, दो अलग अलग स्टेट में, बस स्टेट अलग है। मान लीजिए कि एक दो स्टेट हो सकता है मैटर एंड एंटी मैटर, मैटर एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या है बेटा? नहीं पता। पॉजिट्रॉन? नहीं नहीं बेटा वो तो एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी मैटर नहीं है, ठीक है, एंटी मैटर हम लोग को नहीं पता। आप समझे बात को बेटा? व्हाट इज मास कोई बताएगा? मैटर का डेफिनेशन दीजिए तुम, मैटर का डेफिनेशन क्या? एनीथिंग दैट हैज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज has mass, mass। आप समझिए, देखिए ये क्या होशियारी हो गई, मास के डेफिनेशन में क्या यूज किए? मैटर। मैटर बहुत बढ़िया, और मैटर के डेफिनेशन में मास। बहुत ये तो ये हो गया ना बेटा, ये थोड़ी ना डेफिनेशन, आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या है सर? एक दूसरे को हम लोग हाँ इसको डिफाइन करने के लिए ये यूज किए, और जब बोला अच्छा ये डिफाइन करो तो आप इसको यूज कर लिए। Yes, तो ये तो मतलब बेवकूफ बनाना हो गया ना, मतलब। तो मास भी एक तरीके का बेटा स्टेट है, बस है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसका, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बस प्रॉपर्टी है उसको, जैसे है वैसे मान लीजिए कि हाँ मास है ये, ठीक है। तो वैसे ही बेटा बहुत सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो स्पिन एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का कि वो जब एक ही ऑर्बिटल में रहेगा या दो अलग अलग स्टेट में रह सकता है। फॉर एग्जांपल समझिए, एक हैप्पी एक सैड, एक स्टेट है, एक हैप्पी स्टेट है एक सैड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन या तो हैप्पी स्टेट में रहेगा तो सैड स्टेट में रहेगा। तो हम लोग स्पिन जो बुक में लिखा रहता है कि घूम रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है, देखो वो सही लिखे एक्चुअल में बताया ही ऐसे गया था, बट एक्चुअल में क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल कर रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे बोला गया बुक में एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये तो बोल दिया गया बेटा। उस समय में ना ये भी बोल देता ना कि एक हैप्पी इलेक्ट्रॉन सैड इलेक्ट्रॉन तो भी चलेगा, दो अलग अलग स्टेट है एंड दैट स्टेट कैन बी हैप्पी एज वेल एज सैड, दो स्टेट है वो भी चलता, डेड अलाइव वो भी स्टेट है वो भी चलता, कोई भी दो चीज बोल देते वो भी चलता। स्पिन बोल दिया गया फिर स्पिन की तरह घुमा दिया गया, देखिए इलेक्ट्रॉन कभी घूमेगा ही नहीं, और जब पहली बार बोला गया कि घूम रहा है तो जिस लॉजिक से बोला गया वो लॉजिक फेल है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को लाइट से 10^10 के टाइम से घूमना पड़ेगा, लाइट के स्पीड से, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड हो जाएगा 10^60, लीजिए जो करना कीजिए, होगा ही नहीं, ठीक है चलिए।
तो ये आया कहाँ से? ये दो साइंटिस्ट है, स्टर्न एंड गर्लाच, प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो दोनों का स्टेट अलग होगा। मान लीजिए एक दो आदमी एक ही घर में रहेंगे तो हमेशा एक हैप्पी होगा और एक सैड होगा। दोनों हैप्पी नहीं हो सकते, दोनों सैड नहीं हो सकते। कौन हैप्पी होगा कौन सैड होगा ये हम लोग को नहीं मालूम, बट इतना पता है एक घर में दो आदमी रहेंगे तो एक को सैड होना होगा एक को हैप्पी होना होगा, बस इतना मालूम है। अब उस सैड को आप प्लस हाफ बोलिए माइनस हाफ बोलिए चलता है। समझ में आया बेटा? क्लियर है सर? हाँ बेटा। सर ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बाद आया कि हाँ, ये नहीं नहीं ये बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों को समझ में। हाँ बेटा बोलिए सर। टू डिफरेंट स्टेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन का दो अलग स्टेट? देखिए बेटा बात को समझिए, एक घर है, एक घर में दो आदमी है, एक आदमी अगर हैप्पी होगा दूसरे आदमी को सैड होगा। दोनों आदमी एक ही घर के अंदर हैप्पी नहीं रहेगा और दोनों आदमी एक ही घर के अंदर सैड नहीं रहेगा। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही घर में अगर है तो हैप्पी नहीं होंगे दोनों, बट अलग अलग घर में है अलग अलग ऑर्बिटल में दोनों हैप्पी हो सकते हैं, दोनों सैड हो सकते हैं। जैसे ही दोनों को उठाकर एक ही घर में लाकर रख दीजिएगा, एक ही हाउस में होम में लाकर रख दीजिएगा, एक को हैप्पी एक को सैड होना होगा। चलिए नेक्स्ट। दीज टू वेर कॉल्ड स्पिन स्टेट, दे फॉर टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, बस इतना मालूम है। दीज टू वेर कॉल्ड स्पिन स्टेट, बस स्पिन स्टेट बोल दिया। सर कौन सा स्टेट है ये भी नहीं पता? नहीं पता, बस ऑपोजिट स्टेट है इतना मालूम, उल्टा है ये पता हमको। एक इसमें होगा तो एक उसमें होगा, बस। चलिए दे, सॉरी दे नहीं होगा, स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी either plus half or minus half. फिर लिखेंगे और बच्चा लोग, जो बच्चे लोग हैं उनके लिए plus half and minus half denotes स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ऑन इट्स ओन एक्सिस। हो गया बेटा? चलिए हो गया। तो सर जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है सर तो वो प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी। स्पिन नहीं कर रहा बेटा, फिर से बता रहे, दिमाग से हटा कर रखे कि स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन। हम लोग बस बोल दिए कि वो स्पिन कर रहा, बट एक्चुअल में स्पिनिंग नहीं है। ठीक है चलिए। ओके सर। प्लस हाफ can be clockwise or anti-clockwise spin, wise or anti-clockwise spin. Minus half also can be clockwise or anti-clockwise. मतलब plus half, minus half, एक clockwise तो दूसरा anti-clockwise. कौन सा clockwise बेटा? सर कोई भी हो, कोई भी, बहुत बढ़िया। बस एक clock तो दूसरा anti-clock. कौन सा clock नहीं पता? प्लस हाफ क्लॉक हाँ हो सकता है, माइनस हाफ क्लॉक हाँ हो सकता है, बट एक ये क्लॉक तो दूसरा उल्टा हो जाना चाहिए,
बस यही हम लोग को ध्यान रखना है। समझ में आया बेटा? ये स्टेट को रिप्रेजेंट हम लोग क्लॉक और एंटी क्लॉक से कर रहे हैं। क्या बोले जीवन बेटा? सर ये स्टेट जो है, स्टेट तो पता नहीं, तो उसे क्या हम लोग क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पिन को कर रहे हैं ना बेटा? हाँ सर। हाँ स्टेट को ही बोल दिए, एक हैप्पी है एक सैड है। हैप्पी का मतलब क्लॉकवाइज, सैड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, समझे? अरे जस्ट लाइक बेटा दो जेंडर है, उस जेंडर को आप बोलिएगा दो अलग अलग स्टेट है, आप कुछ हो गया फिर उसको एक को प्लस बोल दीजिए एक को माइनस बोल दीजिए, ये तो कर ही सकते हैं ना। समझ में आया? ठीक है चलिए, दो अलग अलग स्टेट है बस, हो गया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर हाँ बेटा। सर जब प्लस हाफ क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब वो माइनस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। हाँ देखिए वही तो लिखिए बेटा, अगर ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस, कुछ भी होगा ठीक है दोनों में। सर हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोग का स्कूल में सर मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, तो सर उसमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद आप मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे? उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा स्कूल में? सर वो एग्जाम में भी आ रही है सर, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसका अच्छा खासा 20 या 10 तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, चैप्टर अभी नहीं करेंगे। वो चैप्टर बताए कितना दिन चलेगा? सर एक महीने। अरे दो महीने वाला चैप्टर बस एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे हम लोग। क्या करेंगे ना कि सबसे पहले